मोदी सरकार का आज का बड़ा फैसला, देश में इतने दिन और आगे बढ़ सकता है लॉकडाउन। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में, मैं हूं आपका दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट अपडेट की, क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबाएं जिससे अपडेट रहे आप देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट एवं अलर्ट। दोस्तों कोरोना संकट को लेकर लागू किए गए लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को पूरी हो रही है, लेकिन हालात काबू नहीं हो पा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार लॉकडाउन बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी इसका समर्थन कर दिया है। अब इसको 30 अप्रैल तक बढ़ाए जाने की पूरे संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इस बैठक के बाद देश को संबोधित कर सकते हैं। दरअसल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को चर्चा की है। इस बैठक में अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का समर्थन किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मास्क लगाकर चर्चा करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी मास्क पहनकर जो है चर्चाएं की। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसे लेकर अब तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। माना जा रहा है कि लॉकडाउन बढ़ना लगभग तय है, संभवतः इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाया जा सकता है। हालांकि फिलहाल यह साफ नहीं है कि यह इस फॉर्म में आगे बढ़ेगा या इसमें कुछ बदलाव होंगे या लोगों के बीच में कोई छूट मिलेगी। गौरतलब है कि पंजाब और उड़ीसा पहले ही अपने राज्यों में जारी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा चुके हैं। वहीं देश में जारी लॉकडाउन आने वाले मंगलवार को खत्म हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न पहलुओं पर राज्य सरकारों से विचार मांगे हैं, जिसमें यह जानकारी भी शामिल है कि क्या अधिक लोगों को और सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। माना जा रहा है कि आज वीसी के बाद पीएम मोदी लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर सकते हैं। वैसे आपकी क्या राय है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, साथ ही वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों तक जानकारी पहुंच सके और सभी रह सके देश की सभी कैटेगरी खबरों से ही अपडेट एवं अलर्ट।